मुंबई के धारावी इलाके में एक समीर कालिया नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दिल्ली स्पेशल सेल की कार्रवाई के बाद धारावी पुलिस स्टेशन ने यहाँ के जो रहने वाले समीर कालिया को जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी फैमिली को धारावी पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। समीर कालिया से मुतालिक बताया जाता है कि वो यहाँ पर मुंबई शहर में ISI का मॉड्यूल चलाता था और उसके साथ कितने लोग हैं इसकी जाँच जो है वो पुलिस कर रही है। जबकि धारावी के मामले में ये बताया जा रहा है कि इस धारावी की झुकी झोपड़ी जो तंग गली है जो देख सकते हैं आप वो वही इसका मकान है। मकान की तरफ हम बता रहे हैं कि मकान है, इसमें जो है उसकी फैमिली रहा करती थी और दो बेटियां उसकी फैमिली में होती है और बीवी थी, तो वो जिसे जो है मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच और ATS और मुसलसल जो है दूसरी एजेंसियां पूछताछ कर रही है। इलाके वालों का कहना है कि उससे मुतालिक उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं है और ना ही उस पर कोई सस्पेक्शन था कि वो इस तरह की गतिविधि में मुलविस हो सकता है या फिर इस तरह की गतिविधि उसमें रह सकता है। जबकि घर वाले भी इसकी इस कार्रवाई के बारे में लाइन में थे। बताया जाता है कि दिल्ली स्पेशल सेल ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके करने की साजिश अंजाम देने वाला था और ये एक ISI मॉड्यूल है जिसको दिल्ली स्पेशल सेल ने भ्रष्ट किया है। अब आगे की कार्रवाई में महाराष्ट्र ATS और धारावी पुलिस जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई है। क्राइम ब्रांच मुसलसल उनसे पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि इस सिलसिले में और कितने लोग जो इसके साथ में मुलविस थे। मुल्क भर में धमाकों की साजिश अंजाम देने के इल्ज़ाम में दिल्ली स्पेशल सेल ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, जिसमें धारावी के रहने वाले समीर कालिया को भी गिरफ्तार किया गया है। और समीर कालिया के मुतालिक ये बताया जाता है कि उसके खिलाफ 2009 में भी मारपीट का केस था और ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी फैमिली से भी पूछताछ शुरू की गई है। मुंबई शहर में ये समीर कालिया की गिरफ्तारी के बाद ATS और दूसरी एजेंसियों ने भी अलर्ट शुरू कर दिया है और इन लोगों से मुसलसल पूछताछ शुरू की गई है। समीर कालिया जान मोहम्मद के घर वालों को यहाँ लाया गया है धारावी पुलिस स्टेशन में। धारावी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ और ATS के अफसरान इनसे पूछताछ कर रहे हैं मुसलसल। अब तक की तफ्तीश में ये पता चला है कि ये फैमिली जो है इसके मुतालिक कुछ चीज़ें नहीं जानती थी और मामला ऐसा है कि जिस तरह से यानी इसकी टिकट जिसने करवाया था असगर नामी एजेंट ने, उससे भी पुलिस ने पूछताछ शुरू की है और असगर से ये मालूम किया गया है कि उसने इसकी टिकट कब करवाई। 8 महीना कबल भी असगर ने इसकी टिकट करवाई थी और गोल्डन टेंपल से ये दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, UP गया था और UP में किन किन मुकामात को ये निशाना बनाने वाले थे इसकी भी जांच जारी है। और बताया जा रहा है कि किस तरह से यानी पूरा मॉड्यूल था और ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मॉड्यूल पर ये लोग काम कर रहे थे और इस तरह के जो ग्रोह है उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने और एजेंसीज ने मज़ीद अलर्ट करते हुए ऐसे लोग जो इनके कॉन्टैक्ट्स के थे इनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है और तमाम मामले की तफ्तीश कर रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये जान मोहम्मद जो यहाँ मुंबई का रहने वाला है, मुंबई में इसके कितने दोस्त थे और कितने लोग जो है यहाँ मुंबई में ये मॉड्यूल चला रहे थे, इसका भी पता लगाने के लिए पुलिस और ATS मुसलसल कोशिश कर रही है। फिलहाल ATS ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही पुलिस इस सिलसिले में बात कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके फैमिली और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है और मुसलसल जो है पुलिस ये कॉन्टैक्ट लगाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हैं। मुंबई में तार सामने आने के बाद ये एक ऐसा मामला हो गया है कि मुंबई शहर में किस तरह कहां कहां जो है इनके लोग रहते हैं इनसे भी पूछताछ की जा रही है। जहां के इंसाफ की खसूसी रिपोर्ट।